ही जाएगा, लेकिन ममता के समर्थक गुस्से में बताए जा रहे हैं। बीती रात कोलकाता और बंगाल के कई अन्य हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से। नंदीग्राम में ममता पर कथित रूप से हमला हुआ, इसका साइड इफेक्ट आगजनी और नारेबाजी के रूप में दिखा। टीएमसी समर्थक अपनी नेता पर कथित हमले को लेकर गुस्से में हैं। ये तस्वीरें आसनसोल की हैं, जहां बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और हमले के खिलाफ आवाज उठाई। राज्य के अन्य हिस्सों में भी टीएमसी समर्थकों का गुस्सा फूटा। मिदनापुर में आगजनी शुरू हो गई, सड़क पर उतरे समर्थकों में गुस्सा था। ईस्ट मिदनापुर के चांदीपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार सोहम चक्रवर्ती ने खुद विरोध मार्च का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ममता पर हुए हमले के विरोध में हावड़ा में तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जुलूस निकाला। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं का पुतला भी फूंका और नारेबाजी की। बांकुरा के विष्णुपुर इलाके में बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला और ममता पर हमले की निंदा की। विष्णुपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार अर्चिता बीद ने नंदीग्राम में ममता पर हमले का आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगा दिया। বাংলার প্রতি, বাংলার নেত্রী, বাংলার সকলের জনগণ মন অধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্য যে আক্রমণ করা হয়েছে তার জন্য আমরা এখানে বসে প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু নেত্রী আমাদেরকে শিখিয়েছে যে মানুষ যেন আমাদের কোনো কিছুর জন্য নাকাল না হয়, তার জন্য আমরা এখান থেকে এখন উঠছি। কিন্তু আমরা এর আরও বেশি বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো যতক্ষণ না দোষীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে। টিএমসি সমর্থকোনে কুছ জগহো পর ট্রাফিক রোক দি। उत्तरी 24 परगना में तो पार्टी का झंडा लिए समर्थक सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए। ममता पर हमले का आरोप लगाते हुए समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आसनसोल से अनिल गिरी और हावड़ा से सुमन अदक के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। तो कल ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करने के लिए नंदीग्राम पहुंची थी और कल ही उनके साथ ये हादसा हो गया जिसमें उन्हें चोटें आई हैं चुनावी रण में। अब ममता इस वक्त अस्पताल में हैं, जहां पर डॉक्टर्स निगरानी रखे हुए हैं उनकी कंडीशन पर। शाम 7:40 की घटना, जब कोलकाता के लिए वो रवाना हो रही थी, गाड़ी में बैठते वक्त उनके पैर में चोट आ गई, लेकिन कथित तौर पर टीएमसी इसे हमला बता रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जेड कैटेगरी सुरक्षा में इस तरीके का हमला कैसे किया जा सकता है और अगर हमला हुआ है तो हमलावर कहां है। ममता बनर्जी की तस्वीर अस्पताल की, जहां पर हड्डी में चोट के चलते उन्हें प्लास्टर बनवाना पड़ा है। अभी ममता डॉक्टर्स की निगरानी में है और जल्द मेडिकल बुलेटिन जारी करके ममता की कंडीशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, देखिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर ममता की इस चोट को लेकर भी चल रहा है, लेकिन दरअसल सच क्या है, क्योंकि आपने तो प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है, जो वहां पर लोग मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं? देखिए, मल्टीपल व्यू पॉइंट से इस घटना के, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने धक्का नहीं मारा, कुछ लोगों का दावा है कि वहां पे भीड़ थी और शायद वहीं पर किसी ने धक्का मार दिया होगा गाड़ी को। ये इस पूरे विषय को इसीलिए सीरियसली लिया जा रहा है और इसका सही जवाब जो है क्या हुआ था, इस उत्तर को सिर्फ ईसीआई की रिपोर्ट, जो डीएम एसपी अभी कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने ये हमारे पीछे जो दुकान है माइती मिष्ठान्नो भंडार, इनके साथ हमने सुबह बात की थी, ये उन लोगों में से एक व्यक्ति है जो स्पॉट पे थे, इन्हीं के मिठाई की दुकान के सामने ही कल ये घटना घटी।
जहां पे ममता बनर्जी ने आरोप किया है कि कुछ लोगों ने उनको धक्का दिया। ये इनसे मैती से कुछ देर पहले एसपी डीएम मिले, उनके मैती का जो दावा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए शायद उनसे मिलने आए। हमने बात की थी उनसे सुबह, उनका दावा ये है कि जब गाड़ी यहाँ से पास हो रही थी वहाँ पे गाड़ी, क्योंकि ये एक रोड शो टाइप का कुछ माहौल था, ममता बनर्जी अपने समर्थकों को हाथ दिखा रही थी, नमस्कार कर रही थी, गाड़ी का गेट खुला हुआ था, ये भी सच बात है, और वो आधी बाहर भी थी, लेकिन यहाँ पे उस कल शाम को करीबन 6:20 के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। निमाई मैती का ये दावा है कि भीड़ सामने गाड़ी की तरफ चली गई और शायद उसी में ही गाड़ी के दरवाजे को भीड़ ने धक्का दिया, जिसने शायद दरवाजा ममता बनर्जी के पैर पे जाके स्लैम हो गया। इस वक्त काफी ज्यादा शोर और भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है, तस्वीरें हमें दिखाइए क्या कुछ चल रहा है दरअसल इस वक्त उस जगह पर जहां पर कल ये हादसा हुआ था। देखिए, ये तृणमूल के समर्थक हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं, ये विचार चाहते हैं कि ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है उसका सही तरीके से विचार हो। ममता बनर्जी इनकी नेत्री है, यहाँ पर सुबह से ही बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। हम एक बार कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के साथ बात करने के लिए। दादा, आप थे यहाँ पे कल जब ये हुआ था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों के हो रहा है, यहाँ पे देखिए धक्का धक्की सा माहौल हो गया, एग्जैक्टली किस कारण से पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भीड़ है और ये समर्थक हैं तृणमूल के, ये लोग ममता बनर्जी को फेड प्रोब की मांग कर रहे हैं सुबह से। आप अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां पर कल शाम को करीबन 6:20 6:30 के आसपास ममता बनर्जी यहां से जा रही थी और इसी स्पॉट पे ही उनका ये इंसिडेंट जो है, ये दुर्घटना ये हुआ था। लेकिन अभी तक ममता बनर्जी का जो झड़प की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, दरअसल इसकी वजह जान पाएंगे आप? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कहा सुनी हो रही है किसी से, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त, तस्वीरें दिखाइए। नहीं नहीं, देखिए ये तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, ये इनका दावा ये है कि ममता बनर्जी को विचार देना ज़रूरी है, ये कुछ लोगों के साथ बात करेंगे हम, यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये लोग यहाँ पे हैं कुछ लोगों के साथ, यहाँ पे दूसरे ये आप कहाँ से हो? उत्तम है। यहाँ पे क्या हो गया? मैं सुना, यहाँ पे लाग गया, यहाँ पे रोड है, लाग गया समस्त दुकान पे देखा है। आप किसी पार्टी के हो? क्या आप किसी पार्टी के हो? है, पार्टी का है, बीजेपी पार्टी, यहाँ पे बीजेपी के समर्थकों यहाँ पे वो आए हैं। उनका दावा ये है कि कल शाम को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पे टकरा गई और तृणमूल जो कह रही है वो झूठ कह रही है, बीजेपी के समर्थकों का यहीं पे ये कहना है। बैक टू यू स्नेहा। ठीक है श्रीरग्नि, लौटेंगे आपके पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो दरअसल झड़प की हैं कि कल दरअसल ममता बनर्जी को जिस तरीके से चोटें आई उस पर दो अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। इसी के साथ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।